क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी ई एफ करके 6 पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए से लेके एफ तक के 6 पार्ट्स है। इसका मतलब 1 और 2 मिलकर के टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बेसिक नॉलेज समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या जरूरत है। तो पहला ये है कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। इसका आंसर ये है कि इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, यदि दो रेशियो इक्वल है, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन, तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। अभी रेशियो क्या होता है इसके लिए आप 12.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, आपको रेशियो समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशियो पता है। तो दो रेशियो इक्वल है तब हम ये कहेंगे कि वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं। और उसके लिए हम ऐसे देखो, ये दो डॉट है, इसको एक रहता है तो हम इज टू बोलते हैं, दो डॉट लगाते हैं तो प्रोपोर्शन का सिंबल हो जाता है, प्रोपोर्शन का निशानी हो जाता है। या हम इसको इक्वल भी बोल सकते हैं, मतलब दो रेशियो इक्वल है तो वो दोनों प्रोपोर्शन में है या दोनों इक्वल है। तो ये लिखा है कि वी यूज द सिंबल, ये टू इज टू कहो और इक्वल टू इक्वेट द टू रेशियोज। तो दो रेशियो इक्वल होगा तो हम इन दो सिंबल्स में से किसी एक से हम उसको इक्वल दिखा देंगे। अब एग्जांपल से समझते इस बात को। जैसे 3/6 है, 3/6 में 3 से ये 6 कट जाएगा तो 2 होगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, मतलब ये काट दें तो ये नीचे में 2 रह जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 का। उसी तरह से यदि 4/8 हो तो ये 4 से 8 कटेगा, मतलब 4 2 8 होता है, तो 4/8 किसके इक्वल होगा, 1/2 का। इसका मतलब कि 3/6 इक्वल है 4/8 का। ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सी बात है। 3/6 1/2 के इक्वल है, 4/8 भी 1/2 के इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 3/6 को क्या लिखते हैं, इज टू करके जो रेशियो में लिखते हैं, 3/6 को हम बाई का ये सिंबल हटा देते हैं, ये बाई का जो निशान है अपॉन वो हटा करके दो डॉट लगा देते हैं, तो ये 3/6 हो गया 3:6, और इक्वल करके लिख दिया 4:8। जैसे 3/6 को 3:6 लिखा, 4/8 को 4:8 लिख देंगे। तो इट इज ऑल्सो रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3:6 और ये इक्वल का जो निशान है, जो सिंबल है, जो तरीका है लिखने का, उसको हटा करके हम ये दो डॉट लगा देंगे और 4:8 हो जाएगा। तो यही है प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि दो रेशियो इक्वल होता है, उसको इक्वल के साइन से दिखाओ, या हम ऐसे 2:2 का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब वो दोनों रेशियो इक्वल हो गया। तो इस बात को ऐसे समझे कि इट मीन्स 3/6 या 3:6 एंड 4/8 या 4:8 आर इन प्रोपोर्शन। तो ये रहा प्रोपोर्शन का एक्सप्लेनेशन, मैंने कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। और अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन है, पहला पार्ट में एक कुछ नंबर दिए, 15, 45, 40, 120, बी में है 33, 121, 996, इसमें भी सी में भी 4 नंबर है, डी में भी 4 नंबर है, ई में भी 4 नंबर है और एफ में भी 4 नंबर है। इस तरह से पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हो गए, ए से लेके एफ तक। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें ये 4 नंबर है, 15, 45, 40 एंड 120। तो पहले दो नंबर को हम रेशियो में लेते हैं और फिर दूसरे वाले जो लास्ट के दो नंबर है उन दोनों को रेशियो में लेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि वो दोनों रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं। तो पहला रेशियो है 15/45, तो इसको हम डायरेक्ट ही कट कर देते हैं, इसको फ्रैक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 15 के टेबल में 15 3 = 45 होता है। यदि 15 का टेबल पर है तो 15 1 = 15, 15 2 = 30, 15 3 = 45, तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर बगल में लिख दे 3, तो ये 15/45 था वो 1/3 हो गया। अब दूसरा जो नेक्स्ट रेशियो बनेगा वो क्या है, 40/120, तो ये 40 से 120 भी कट जाएगा,
नीचे में 3 रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 को पहले काट दो और 4 और 12 को, 4 3 12 होता था, 12 को काट करके 3 लिख दो, कैसे भी करो ये। तो ये हो गया 1/3। तो दोनों रेशियो जो 15/45 है 1/3 है और 40/120 है वो भी 1/3, इसका मतलब इक्वल है। तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। जब दोनों रेशियो इक्वल हो गया तो प्रोपोर्शन में आ गया, इक्वल नहीं होता तो लिखते नो, अभी तो इक्वल है इसलिए हमने यस दे आर इन प्रोपोर्शन लिख दिया। बी पार्ट का देखते हैं नंबर्स, ये 33 और 121। तो पहला रेशियो तो यही हो गया 33/121। अब इसको कट करना है तो पहले फ्रैक्शंस निकालना होता है, लेकिन ये छोटे से नंबर है 11, 3 जा 33 होता है हमको ऐसे पता है, तो लिख देंगे 3 × 11। और 121 ये टिपिकल टाइप का नंबर है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इन नंबरों से कटने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट ही 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आपको याद रखना चाहिए। और 121 हो गया 11 × 11, इसलिए हम 11 और 11 को काट देंगे क्योंकि नीचे पर दोनों में ही है। अब ये रह गया 3/11, मतलब 33/121 है वो कटने के बाद 3/11 रह गया। और नेक्स्ट रेशियो क्या है वो उधर है 9, 96, तो 9/96 हो गया। अब 9 का तो फ्रैक्शन हमें पता है 3 × 3 होगा, लेकिन 96 नया टाइप का नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा कितना देगा ये 48, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, फिर से 2 से डिवाइड करके 12, फिर से 2 से डिवाइड करके 6, ये 2 का ही भीड़ होती जा रही है, फिर से 2 से डिवाइड होगा ये 3। अब ये लास्ट हो गया तो कितने 2 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 2 है और 1 3 है, तो लिखे हम 96 = 1, 2, 3, 4, 5 × 2 और 1 3। और अब इसको हम लिख देंगे अपॉन करके, 9 तो हो गया 3 × 3 और 96 में देखो 5 × 2 हमने काउंट किया था पहले, 1, 2, 3, 4, 5 × 2 और 1 3। अब कट करें इसको तो ये एक ही 3 कटा, अब ऊपर में 3 है और नीचे में एक भी 3 नहीं, सारे 2 की ही भीड़ लगी हुई है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और क्या करेंगे। इसलिए फ्रैक्शंस निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि कहाँ तक इसको हम कट करें। ज़्यादा कट करने से फिर उसको मल्टीप्लाई करने का एक दूसरा काम आ जाता है, इसलिए उतना ही तक उस फ्रैक्शंस को आप एक्सपेंड करो, उतना ही तक ले जाओ जितना तक जरूरी है, क्योंकि अभी देखो ये सारे बच गया हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जो भी हो इसको कर देते हैं, तो ऊपर में रह गया 3 अकेला और नीचे 1, 2, 3, 4, 5 को 2, तो मल्टीप्लाई करो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, तो नीचे में रह गया 32, तो ऊपर में 3 और नीचे में 32। अभी देखो ऊपर में है पहले रेशियो में 3, मतलब ये पहला रेशियो क्या है 3/11 और दूसरा रेशियो है 3/32, तो अलग अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 32 है। ऊपर का ही नंबर इक्वल है, नीचे का नंबर इक्वल नहीं है, लेकिन रेशियो होने के लिए नीचे पर दोनों का नंबर इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में नहीं है। प्रोपोर्शन में कब होता, जब दोनों ही रेशियो सेम होता, जैसे वो पहले वाले में था ये 1/3 और दूसरा भी 1/3 था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। तो अब सी पार्ट शुरू करते हैं, सी में है ये 24 और 28, पहला रेशियो तो यही बनेगा, तो लिखे हम रेशियो इज इक्वल टू 24/28। तो 24 का हम फ्रैक्शंस निकाल देते हैं, वैसे छोटा सा ही नंबर आपको जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 12, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 6, फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 3। तो ये तो हो गया 24 का, 24 इज इक्वल टू हो गया 3 × 2 और 1 3। अब है 28 का, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, 2 से डिवाइड करें फिर से 14 को तो हमें मिलेगा 7। तो 7 तो छोटा नंबर हो गया, उसका तो कोई मल्टीपल्स होता नहीं है, ये 7 × 7 ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रोक देते हैं इसको। अब 28 = 2 × 2 × 7, तो इस तरह से हमारा 24 का फैक्टर्स निकल गया, 28 का भी। तो 24 का क्या क्या निकला, ये 3 × 2 है और 1 3 है, तो ये 3 × 2 1 3 कर दे, और 28 में 2 × 2 × 7 ये कर दिया। अब हम इसको कट करते हैं, जो नंबर कट होने वाला है ऊपर नीचे में 1 2 कट गया, दूसरा भी 2 है कटने वाला, तो अब बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर में 2 × 3 और नीचे में 7, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 कितना होता है 6, 6/7 हो गया। तो पहला रेशियो आ गया 6/7। अब दूसरा रेशियो उधर देखें तो ये 36/48 है, ये सी पार्ट चल रहा है अपना, तो 36/48 है, इसको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे,
3 इंटू 12 कर देते हैं, मतलब 12 के टेबल में 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, तो ये हो गया। और 12 का ही टेबल में 12 फोर जा 48 होता है। तो अब ये 12 और 12 कट जाएगा। यदि हम इस 12 को भी आगे करते जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वो सभी एक एक करके कटता, तो हम अपना अच्छे अच्छे स्टूडेंट की तरह इसको हम साइंटिफिक तरीके से सोच करके इसको यहीं पे 12 पे ही रोक दिया। यदि आपके स्कूल में जो भी आपके मैम हैं या सर हैं ये कहते हैं कि नहीं पूरा ही एक्सपेंड करके लिखना, तो लिख देना उनकी संतुष्टि के लिए, बाकी तो ये कटना ही है दोनों को। तो हम 12 और 12 को काट देते हैं, तो ऊपर में 3 और नीचे में 4 बच गया, तो रहेगा 3/4। तो अब देखो पहला का रेशियो का फाइनल नंबर है, नंबर कटने उठने के बाद 6/7, और दूसरे का जो रेशियो बना है वो है 3/4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सी पार्ट हो गया। डी में देखते हैं, डी में है 32 और 48, और अगला पेयर है, अगली जोड़ी है 70 और 2 से 10। तो ये 32 और 48 का हम रेशियो निकाल ले, पहला तो ये बनेगा, तो इसको हम 2 × 16 कर देते हैं, और नीचे को 3 × 16, मतलब 16 का टेबल में 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, और 16 × 3 = 48। तो इस तरह से 16 और 16 कटेगा, हमारे पास रह जाएगा 2/3। तो ये पहला रेशियो आ गया 2/3। और नेक्स्ट रेशियो क्या है, नेक्स्ट रेशियो ये 70/210 है, तो ये 7 × 3 = 21 होता है, तो वो 0 0 कट जाएगा। अब इसको डायरेक्टली काट दो, ठीक है, तो ये रह गया 1/3। तो अब ये क्या बना हमारे लिए, पहला रेशियो 2/3 और दूसरा रेशियो 1/3। ये साइड में 3 लिख लेना, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, लिख लेना। तो ये 1/3 हो गया, तो ये हो गया नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। एक है 2/3, दूसरा है 1/3, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ई नंबर देखते हैं, तो ये छोटे छोटे नंबर है, 4 है, 6 है, पहला रेशियो 4/6 का हो जाएगा। तो पहले पहला रेशियो कर लेते हैं, तो ये 2 × 2 और 2 × 3, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों दो दो कट गया, तो रहेगा 2/3। और नेक्स्ट रेशियो क्या है, 8/12, तो इसको हम यदि एक्सपेंड कर देंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, 3 × 2, और ये हो गया मतलब 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा। तो हमने इसको 4 पे कट कर रख दिया, ये मतलब 2 × 4 हो गया 8, और 3 × 4 हो गया 12, तो 4 से 4 कटेगा, तो ये रह जाएगा 2/3। तो अब दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया, तो अच्छी बात है, तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। अब एक पार्ट और रह गया इसका, ये एफ नंबर पे है 33 और 44, पहला रेशियो तो यही है 33/44। तो इसको देखो 11 के टेबल में 11 × 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, और 11 × 4 = 44। तो इसलिए हम इसको 3 × 11 और 4 × 11 कर दिया, तो क्योंकि 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो कटता भी नहीं, तो इस तरह से 11 और 11 अब कट जाएगा, नीचे ऊपर वाला 11, और रहेगा 3/4। और नेक्स्ट रेशियो क्या है, ये 75/100, तो 75 को हम 3 × 5 × 5 कर दें, या 3 × 25 कर देते तो भी होता, और 100 को कितना लिखे 4 × 25। 5 को अब अलग अलग काटना पड़ेगा, नीचे ऊपर का एक 5 कटा, फिर दूसरा 5 भी कटेगा, इसलिए हम ये दो बार करने से अच्छा ये ऐसे ही लिख देते 3 × 25 और 4 × 25, तो 25 × 25 कट जाता, 3/4 रह जाता, तो अभी कोई बात नहीं है, ये रह गया 3/4। तो ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया, 3/4 पहले का आंसर और दूसरे का आंसर भी 3/4, तो हम लिखेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ये पहला क्वेश्चन का सारे पार्ट्स हो गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसमें लिखना है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। तो इसमें भी 6 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला हम ए से शुरू करेंगे, तो यह है 16:24, तो रेशियो में लिखेंगे तो 16/24 लिखेंगे, तो 16 को 2 × 8 और 24 को 3 × 8 कर दिया, ये 8 पे ही रोक दिया। यदि ये इसको 2 × 2 × 2 करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों ही में उतना ही आ जाएगा 2 × 2 × 2, और तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा कट, इसलिए हम 8 पे ही छोड़ दिए, और 8 से 8 कट जाएगा नीचे ऊपर, तो रहेगा 2/3। और ये इक्वल के साइन कहो, चाहे डबल इज टू के साइन कहो, चाहे प्रोपोर्शन के साइन कहो, उसके बाद का जो दो नंबर है वो नेक्स्ट रेशियो में जाएगा, वो होगा 20/30। तो ये 0 से 0 काट देंगे तो भी अच्छा, या इसको हम 2 × 10 और 3 × 10 करके अब 10 को काटे तो भी अच्छा,
जैसे भी आप खुश रहो वैसे ही इसको कर दो। मैं कह रहा हूँ कि जीरो से जीरो काट देंगे तो भी 2/3 बचेगा, या इसको 2×10 कर दिए तो भी अच्छा हो गया, नीचे को 3/3×10 कर दिए, और यदि इसको 2×5 करके फिर से नीचे को वाले को 2×5 करके अलग अलग काटते 5 से 5, 2 से 2, तो भी होता, एक ही बात है करना, फाइनली हमें 2/3 ही बचेगा, तो 2/3 बच गया। तो अब ये दोनों ही रेशियो इक्वल है, तो हमें करना क्या है इसको राइट ट्रू और फॉल्स, कि मतलब ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का साइन है, तो ये जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा तो प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ट्रू है, तो ये हमारा दोनों सेम रेशियो आ गया, तो इसलिए लिखेंगे बोथ आर इक्वल रेशियो, इसलिए ट्रू हो गया, पहला पार्ट ए खत्म हो गया। अब बी देखते हैं, बी में है पहला रेशियो 21/6 का, तो ये 3×7 हो गया, 7×3 = 21, और ये हो गया 2×3, तो ये 3 से 3 काट दें तो ये रह गया 7/2, और नेक्स्ट रेशियो क्या होगा, नेक्स्ट रेशियो है 35/10, तो 35 को 5×7 और 10 को 2×5, तो 5 से 5 काट दे तो ये रह गया 7/2। देखो ये दोनों रेशियो, पहले वाला रेशियो भी 7/2, दूसरे वाला भी रेशियो 7/2, तो ये इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि बोथ आर इक्वल रेशियो, देयरफॉर ये ट्रू हो गया। ट्रू की क्या हो रहा है, ट्रू वो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन का साइन बीच में है, ये इक्वल इक्वल जैसे ही होता है, मैंने आपको बेसिक बात में बताया था। अब आ गया सी पार्ट का, तो पहला दो नंबर है हमारा 12 को है, चाहे 12/18 को हो तो भी चलेगा, तो 12/18 लिख दें। अब 12 होता है 2×6 और 18 होता है 3×6, 6 से 6 कटा तो ये हो गया 2/3, और नेक्स्ट रेशियो 28/12 लिख करके इसको फैक्टर्स निकाल दें, 4×7 और ये हो गया 3×4, तो 4 से 4 कटो और ये हो गया 7/3। तो इस तरह से ये दोनों रेशियो अलग अलग आ गया, एक है 2/3, एक है 7/3, तो बोथ आर नॉट इक्वल रेशियो, तो फॉल्स हो गया, मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है, ये से प्रोपोर्शन लिखा था, ये सी सारे में तो प्रोपोर्शन ही लिखना है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है, ये 7/3 है, तो इस तरह से फॉल्स हो गया। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है 8×9, मतलब 8/9, तो 8/9 वैसे भी पता है कि कटने वाला नहीं है, फिर भी अगर फैक्टर्स निकाल के मैं दिखा देता हूँ, 2×4 और 3×3, देखो नीचे में दोनों ही 3 है, ऊपर में 3 है ही नहीं, तो ये तो लग रहा है ना कि फालतू का काम कर लिया, तो फाइनली हम इनको फिर से ज्वाइन कर देंगे, तो 8/9 हो जाएगा, 4×2 8 हो जाएगा, 3×3 9 हो जाएगा, तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट ये है 24×27, तो नेक्स्ट रेशियो हो जाएगा 24/27, तो ये हो गया 3×8, ये हो गया 3×9, अब ये 3×3 कट जाएगा तो ये रहेगा हमारे पास 8/9। तो अब देखो दोनों रेशियो इक्वल हो गया, पहले वाले में भी 8/9 आंसर और दूसरे वाले में भी 8/9 आंसर, आंसर का मतलब फाइनल पॉइंट, फाइनल नंबर्स कहो, तो ये इक्वल है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि बोथ आर इक्वल रेशियो, और देयरफॉर ये ट्रू हो गया, मतलब ये प्रोपोर्शन में है। अब है ई नंबर, ई में थोड़े से अलग टाइप का नंबर है, ये 5.2 दिया है, तो इसलिए बच्चे डरते रहते हैं ये पॉइंट को क्या करें, तो पहले तो पॉइंट लगाकर रेशियो लिखो 5.2/3.9। अब पहले इस पॉइंट को हटाओ, जैसे पॉइंट को हटाने का तरीका हमने सीखा है कि पॉइंट के जगह पे 1 लिखते हैं और उसके बाद में उसके राइट साइड का हो चाहे पॉइंट के पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उतना 0 लगा देते हैं, तो ये 5.2 को हमने 52/10 कर दिया। ये 10 कहाँ से आया, वो पॉइंट हटाने के लिए 1 लिखा और पॉइंट के पीछे एक नंबर था इसलिए 0 लिखा, और वही काम हमने 3.9 में भी किया, 3.9 का पॉइंट हटा करके 1 लिख दिया और ये 0 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद, डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अब ये अपॉन का मतलब फ्रैक्शंस का अपॉन है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, कई लोग इसको पलटी मारना बोलते रहते हैं, तो पलटी मार दो नंबर को, तो क्या होगा 52/10 और पलटी मार के हम 10/39 कर दिए, तो ये 10 और 10 कटेगा, तो ऐसे ही कट गया, तो बचेगा क्या 52/39। अब इसके फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो 13 के टेबल में 13 का टेबल पढ़ते चलो, तो 13×1=13, 13×2=26, 13×3=39 और 13×4=52, तो ये 13 के ही टेबल का दोनों नंबर है, 13×4=52 और 13×3=39, तो अब हमें पता चल गया एक है 4×13, एक है 3×13, तो 13 से 13 को काट दो तो क्या रहेगा 4/3, तो इस तरह से पहला का आंसर आ गया 4/3, मतलब पहले को सॉल्व करने के बाद 4/3 आया। अब नेक्स्ट रेशियो देखते हैं,
ये है 3/4। तो 3/4 का तो फैक्टर्स निकालना ही नहीं थे, सबसे छोटे छोटे नंबर से। वैसे 4 को हम कर सकते थे 2 × 2, लेकिन वो कटने वाला तो है नहीं, कि नीचे में 3 नहीं है ऊपर में 2 नहीं है, तो इसलिए कटता नहीं। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखें, ये दूसरा वाला रेशियो 3/4 है, पहले वाला रेशियो 4/3 है, तो हम क्या लिखेंगे कि बोथ आर नॉट इक्वल रेशियो, देयरफॉर ये फॉल्स हो गया, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब एफ नंबर देखो, ये 0.9 और इज टू है 0.36। तो पहले हम इस नंबर्स को लिख दे अपॉन करके 0.9 / 0.36। अब डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटेगा तो ये पॉइंट हटा करके एक लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 9, तो वो एक जीरो लिखेंगे। 36 में कितना है, 2, डेसिमल का 2 नंबर। नंबर कोई सा भी रहे वो नहीं देखना है हमें, नंबर कितने हैं वो देखना है। तो पॉइंट जीरो मतलब 0.36 में डेसिमल हटा करके 1 लिखा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए इसको 2 जीरो लिख दिया। अब इसको पलटी मारो तो 9/10 और इनटू ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 को तो हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, अब छोटे छोटे 2 से नहीं करें, पहले 10 ही 10 से काट दें। वैसे आप एक एक जीरो भी काट सकते हो, यहाँ पे एक जीरो इसका, एक जीरो कट गया। तो अभी फिलहाल हमने 100 को 10 × 10 कर दिया और एक 10 को काट देते हैं। तो अब एक ये भी 9 भी कट जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, 9 कट गया। और ये देखो ये 10/4 आ गया, तो हम इसको 2 × 5 अपॉन में 2 × 2 कर सकते थे, लेकिन जब हम वहाँ पर रेशियो देखते हैं दूसरा, तो वो डायरेक्ट ही 10/4 है। तो नेक्स्ट रेशियो हम लिखे 10/4, तो ये पहले का जो लास्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे रुके हुए हैं 10/4 पे, और दूसरा रेशियो 10/4 ही है, इसे मतलब इक्वल है। या जैसा सा ये कर सकते हो कि इसको 2 × 5 करके इसको 2 × 2 कर दो, और 2 × 2 का काट दो, 5/2 हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, तो आखिर तो 5/2 ही होगा। तो या तो आप 5/2 कर लो, चाहे यहीं पे इस क्वेश्चन को रोक दो और लिखो कि बोथ आर इक्वल रेशियो, पहले वाला भी 10/4, दूसरे वाला भी 10/4, तो इसलिए ये प्रोपोर्शन में है। और इस तरह से ये एफ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट सॉल्व हो गए।